इमोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए वायर, एक वायर के रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस वायर में, उस कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर में, ये हमें अभी देखना होगा। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, और ये कोई स्ट्रेट वायर है और ये यहां से हिंज पॉइंट है। सपोज इसकी लेंथ है L और इस वायर को घुमा दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इसको रोटेट किया गया है। तो अब आपको यह देखना है कि क्या इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा है ड्यू टू ईएमआई या नहीं होगा, यह चीज हमें देखनी है। तो देखो, जब ये वायर चल रही है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चल रही है कि नहीं, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है और ये वायर ऐसे चल रही है यूं, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चल रही है कि नहीं? जब भी कोई स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलेगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू ईएमआई। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें निकालना है। सपोज मैं नाम दूं कि ये पॉइंट है पी एंड ये पॉइंट है क्यू, तो पूरी रोड है पीक्यू जिसकी लेंथ है एल, कंडक्टिंग रोड है। अब हमें इसमें देखना है कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ लगा है और मैंने माना कि बी यूनिफॉर्म है, मतलब इस पूरे इलाके में बी चेंज नहीं हो रहा है, बी बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस निकालना है बिटवीन पी क्यू। अब वो नेगेटिव नहीं होता है, ईएमएफ कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो देखना पड़ता है भाई ये वाली साइड हाई पोटेंशियल ले लो, ईएमएफ तो पॉजिटिव वैल्यू दी जाएगी कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है उसकी पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए ईएमएफ कैसे निकालें, मैं आपको पहला मेथड, जो बेसिक मेथड है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी क्यू, ये मेरा टारगेट है, ये मुझे निकालना है। मेथड फर्स्ट, जो ईएमएफ की जनरल डेफिनेशन थी वो क्या थी, ईएमएफ की जनरल डेफिनेशन जो पहले तरीका हमने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इनसे वो निकल के आ गया था इंटीग्रल वी क्रॉस बी डॉट डीएल। बताओ ये आया था कि नहीं? अब v क्रॉस b बाहर तब आता जब b यूनिफॉर्म होता और मोशन ट्रांसलेटरी होता। b तो यूनिफॉर्म है लेकिन क्या मोशन ट्रांसलेटरी है? क्या मोशन ट्रांसलेटरी है या नहीं है? इसलिए हर पार्ट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा, बाहर वाले की और ज्यादा। जब सर्कल में पार्ट चल रहे हैं तो बाहर वाला मैक्सिमम स्पीड से चलेगा, तो v क्रॉस b तो बाहर आना नहीं है, तो हमें इसी को सोल्व करना होगा v क्रॉस b डॉट dl को। कैसे? अब आपकी मर्जी है, जिधर आप dl मानना चाहें उधर आप मान सकते हैं, जैसे भी। dl कैसे मानेंगे? सपोज मैं यहां से x लेंथ आगे गया और फिर मैं थोड़ा और आगे गया और ये लेंथ हो गई है x प्लस dx, तो ये जो पार्ट बना, ये जो पार्ट बना आगे की तरफ, ये मैं एरो लगा रहा हूं अपनी तरफ से, दिस इज dx, दिस इज dx, जिसको हम dl बोल रहे हैं वो dx हो जाएगा, और dx पॉजिटिव है यहां पे क्योंकि x प्लस dx बड़ा है, ठीक है। और x की अगर लिमिट की बात करें तो इनिशियल वैल्यू x की जीरो है एंड लास्ट पॉइंट फाइनल वैल्यू x की है l, ये है। अब मुझे जो बीच वाली dx लेंथ है सबसे पहले इसमें लिखना है v क्रॉस b डॉट dl और फिर कर देना उसका इंटीग्रेशन। तो आप ये बताओ, ये जो मैंने छोटा सा पोर्शन माना है x लेंथ पे, ये नीचे आ रहा होगा क्योंकि ओमेगा से यूं घूम रहा है, तो फिलहाल ये नीचे आ रहा होगा, और जो इसकी वेलोसिटी बनेगी
इसका रेडियस आप एक्स मान सकते हो, डीएक्स तो इतना छोटा सा पोर्शन है, पॉइंट मास आप मान लीजिए, तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है एक्स। अगर रेडियस एक्स हो, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो, तो लीनियर स्पीड क्या होती है बताइए। अगर रेडियस एक्स हो, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो, तो लीनियर स्पीड क्या होगी बोलिए। अरे अगर रेडियस एक्स है, रेडियस आर होता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, तो लीनियर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, वी बराबर ओमेगा। हाँ तो इतना जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग, वी बराबर ओमेगा इंटू आर। क्या इस क्लास में कोई लड़का नहीं है, एक भी मेरे को आवाज ही नहीं सुन रही उनकी, तो कहीं भी केवल कुछ गर्ल्स ही जवाब दे पा रही है। इधर देखिए, वी बराबर ओमेगा इंटू आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, वेलोसिटी नीचे बी अंदर, तो वी और बी के बीच का जो एंगल है, वेलोसिटी नीचे बी अंदर है, तो वी और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वेलोसिटी नीचे बी अंदर, तो वी और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले तो ये बताओ, वी इंटू बी इंटू साइन 90। हाँ वी है ओमेगा इंटू एक्स और इंटू बी साइन 91, तो ये ओमेगा बी इंटू एक्स आ गया, ओमेगा बी इंटू एक्स। डायरेक्शन की बात करो, वी क्रॉस बी किधर होगा, इस डायग्राम को देख के बताओ वी क्रॉस बी किधर होगा, डीएक्स के पैरेलल होगा, डीएक्स के तरफ होगा, डीएक्स के अपोजिट होगा, वी क्रॉस बी किधर होगा, वी नीचे है बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ हाथ घुमाए तो आगे ही होना, यानी कि जो v क्रॉस b वेक्टर है वो आगे की तरफ है। अब मैं v क्रॉस b का dx के साथ डॉट करूं, तो v क्रॉस b डॉट dx, v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा bx, dx का मैग्नीट्यूड, dx खुद पॉजिटिव है तो dx का मैग्नीट्यूड होगा, dx आपको याद होना चाहिए, अगर x प्लस dx छोटा होता तो dx का मैग्नीट्यूड माइनस dx लिखते हैं, सीखा है ना ये तो कभी। और cos ऑफ उनके बीच का एंगल कितना है बताओ, जीरो जीरो, v क्रॉस b भी आ गए, dx भी आ गए, डॉट प्रोडक्ट में cos आएगा, cos 0 1, तो v क्रॉस b डॉट dx आ गया ओमेगा b इंटू x dx, और ये पॉजिटिव है। अब आप इसमें पुट कर दो, तो जो emf आएगा, जो EMF आएगा दैट इज इंटीग्रल, ये वैल्यू आपने इसमें उठा के पुट की ओमेगा बी एक्स डी एक्स, और एक्स की जो लिमिट है वो है जीरो से एल, ओमेगा बाहर बी बाहर कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू मैंने बाहर निकाल लिया और लिमिट जीरो से एल, तो अल्टीमेटली ये जो EMF आया, EMF वो आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। पहली बात तो ये हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दूसरी बात अपने आप सॉल्व करने पे पॉजिटिव आया है, मैंने कल डायरेक्शन की बात की थी कि कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव, अपने आप सॉल्व करने पे पॉजिटिव आया है, तो मतलब आपकी जो एक्स लेने की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, मतलब एल वेक्टर ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना है, तो बताओ पी नेगेटिव होगा टर्मिनल की पॉजिटिव होगा, बताइए पी टर्मिनल नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कल सिखाया था ये नेगेटिव, इसका मतलब पी टर्मिनल नेगेटिव बनेगा और क्यू टर्मिनल पॉजिटिव। तो अब अगर ईएमएफ पूछा जाए बिटवीन पी एंड क्यू, तो वो तो होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, लेकिन अगर वीपी माइनस वीक्यू पूछा जाए, वीपी माइनस वीक्यू, तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ, P नेगेटिव टर्मिनल है मतलब लो पोटेंशियल, Q पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब हाई पोटेंशियल, तो VP माइनस VQ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बोलो, VP माइनस VQ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अच्छा negative. P लो पोटेंशियल है, Q हाई पोटेंशियल है, लो में से हाई घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये बना माइनस ऑफ हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर। अगर VP माइनस VQ पूछा जाए तो ये होगा, लेकिन अगर EMF इंड्यूस पूछा जाए तो हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर। आप बताइए मेथड फर्स्ट आ गया पूरा समझ में कि नहीं आया, हाँ
अगर इन केस ये सोल्व करके माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाता, आ सकता था, सपोज बी अंदर की बजाय बी बाहर होता, सपोज बी अंदर की बजाय बी बाहर होता, तो अब वी क्रॉस बी किधर आता बताओ आप? अगर बी बाहर होता तो वी क्रॉस बी किधर आता? वी क्रॉस बी उधर जाता, उधर जाता और डीएक्स इधर है, तो यहां पे एंगल आता 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है माइनस वन, तो फिर जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये नेगेटिव आता, बट ईएमएफ कभी नेगेटिव होता नहीं है, ईएमएफ कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ऐसे केस में ईएमएफ तो पॉजिटिव होता, परंतु आपकी जो डायरेक्शन थी एल वेक्टर मानने की वो गलत हो जाती और वो नेगेटिव नहीं, वो पोटेंशियल हाई टर्मिनल हो जाता, हाई पोटेंशियल, और ये वाला लो पोटेंशियल, और वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव हो जाता। अभी बताइए भाई, क्या मेथड फर्स्ट पूरा क्लियर हो गया है कि नहीं? ठीक है, अब देखते हैं मेथड सेकंड, फ्लक्स रूल से। मेथड सेकंड हम देखें कि फ्लक्स रूल से कैसे होगा। ईएमएफ निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू, रिजल्ट उधर दिखे हुए हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये पी ये क्यू उसी तरह से, और ये हिंज पॉइंट, और इसको ऐसे रोटेट किया ओमेगा से, ओमेगा मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, टी बराबर जीरो पे अगर ये यहां से स्टार्ट होते तो फ्लक्स रूल कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी। तो बताओ टी टाइम में ये कहां तक आ चुका होगा, टी टाइम में ये कितना एंगल घूम चुका होगा, थीटा ओमेगा इंटू टी, और जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा ओमेगा हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा ओमेगा इंटू टी। करवाए है ना यार ये काम पहले? यस सर। जब फ्लक्स लिखवाया था ड्यू टू रोटेटिंग वायर उसमें, अब अगर आप फ्लक्स लिखोगे तो बी डॉट ए करोगे तो अपने आप आपको याद आना चाहिए कि ये बनेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इंटू टी। मैंने उस समय कहा भी था कि ये फैक्टर याद रखना या के काम आएगा, तो ये फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट ए से। ठीक है, ये सब पीछे करवाया हुआ है। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे डी फाई बाई डी टी करेंगे, फाई की वैल्यू पुट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और ये बचा डी टी बाई डी टी, एंड डी टी बाई डी टी होता है वन, तो जो ई एम एफ इंड्यूस होगा दैट इज हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, जो ई एम एफ इंड्यूस होगा इट विल कम आउट टू बी हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये आपका ई एम एफ इंड्यूस होगा। अभी बताओ फ्लक्स रूल से आ गया समझ में कैसे निकाला? हाँ जी भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं? फ्लक्स रूल से कैसे निकाला ये? ठीक है, डायरेक्शन आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन ये कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा, देखो मैं दिखाता हूं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपको दिखाता हूं डायरेक्शन कैसे निकलेगी। डायरेक्शन निकालने का एक तरीका तो मैंने अभी बताया मेथड फर्स्ट में, एक तरीका तो आपको मेथड फर्स्ट में बता दिया, आप कैसे भी करके डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो मैं फ्लक्स रूल से डायरेक्शन बताता हूं दूसरा तरीका। सपोज एक फ्रेम मान लो, सपोज हमने एक फ्रेम माना कि भाई ये फिक्स पॉइंट है और ये मूवेबल पॉइंट है, तो आप यूं बताओ जब ये इधर चल के आ रहा है, जब ये इधर चल के आ रहा है तो इस लूप का एरिया कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ये लूप पहले इतना बड़ा था, ये वायर इधर स्लाइड करके आ रही है, तो बताओ लूप का एरिया कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? मैंने माना कि ये एक फिक्स वायर है यहां तक, और ये वायर ऐसे थी और वो उस पर स्लाइड करते हुए आ रही, तो बताओ लूप का एरिया कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। दोबारा देखो, ये एक फिक्स फ्रेम है, ये एक फिक्स फ्रेम है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है, और ये स्लाइडिंग वायर है जो नीचे स्लाइड होकर आ रही, तो जो लूप बन रहा है लूप इस वायर को मिला के उसका एरिया कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है बताओ? कम हो रहा है ना, जैसे जैसे पास आएगा एरिया कम होता जा रहा है, एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है लूप में से, फ्लक्स कम हो रहा है तो लेंज लॉ क्या कहता है, करंट किस तरह आएगा,
फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, फ्लक्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए आएगा। तो जिधर बी अप्लाइड है उधर ही इंड्यूस्ड करंट का बी होना चाहिए, और अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गए होंगे इस पीक्यू में? पीक्यू में देखो साहब, करंट ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे गए होंगे? क्यू से पी, तो पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पी नेगेटिव हो जाएगा और क्यू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि ये लो पोटेंशियल आई, यही बना था ना अभी, यही तो डायरेक्शन आई थी कि पी पे लो पोटेंशियल और क्यू पे हाई पोटेंशियल। तो ये मैंने डायरेक्शन देखने का दूसरा तरीका बनाया फ्लक्स रूल से। फ्लक्स रूल से ईएमएफ निकाला, और फ्लक्स रूल से कोई भी एक फ्रेम मानते हुए, किधर भी एक फ्रेम मानते हुए आपने उसकी डायरेक्शन निकाल ली। अभी बताओ क्या ये दोनों पार्ट आ गए क्या समझ में? अब केवल डायरेक्शन निकालनी हो तो तीसरा तरीका है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, केवल डायरेक्शन के लिए। वो देखो आप, ये पार्ट फिक्स है और ये नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है बी। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है पहली उंगली बी की तरफ, राइट हैंड की पहली उंगली बी की तरफ, तो हमने पहली उंगली बी की तरफ की, अंगूठा किधर, अंगूठा किधर करना होता है? वी की तरफ। ना ना ना, हाँ मतलब वी कह रहे हो क्या आप? वी अंगूठा करना होता है वेलोसिटी मतलब मोशन की तरफ। यूं बताओ इस समय ये रोड नीचे जाना चाह रही कि ऊपर जाना चाह रही है? इस समय जिस तरह घूम रही है नीचे। हर पॉइंट की वेलोसिटी इस समय नीचे है, हर पॉइंट की वेलोसिटी नीचे है, तो इसका मतलब पहली उंगली बी की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ, तो दूसरी उंगली आपको किसकी डायरेक्शन दे रही है? करंट। तो करंट बताओ पी से क्यों बना कि क्यों से पी? पी से क्यों? करंट उधर गया तो इलेक्ट्रॉन उल्टे चले होंगे, यानी कि पी पे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं और क्यों से निकलते जा रहे हैं, तो पी नेगेटिव हो गया और क्यों पॉजिटिव हो गया। तो मैंने आपको रोटेटिंग पार्ट को भी तीन तरीके से बता दिया है कि एक पहला ईएमएफ का बेसिक मेथड, दूसरा फ्लक्स रूल, और तीसरा फिर डायरेक्शन फ्लेमिंग रूल से। बताओ क्या रोटेशन वाला ये पार्ट आ गया समझ में? फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। परंतु बात यह है कि ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब एक एंड पे हिंज पॉइंट हो। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब एक एंड पे हिंज पॉइंट हो। जैसे देखो आज सुबह ही मैं एक पेपर डिस्कस करवा रहा था 10th वाले बच्चों को, एनटीएससी में उनके क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, स्कूल का जो पेपर है वो पेपर में नहीं बनाता हूं, मुझसे नहीं बनाए जाते हूं, बट उसमें क्वेश्चन ये था, वहां पे इस पॉइंट को मैं नाम भूल गया शायद, इसको ए बोला था और इसको ए बी, ये ओ मान लो, ये हिंज पॉइंट है, और अंदर की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको नाम ए बी की बजाय मैं हटा के पी क्यू कर लेता हूं। क्वेश्चन में दिखा रखा था कि ये लेंथ है एल बाई टू और ये लेंथ भी है एल बाई टू, और इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है नीचे की तरफ, ओमेगा एंगुलर स्पीड से आ रहा है इस समय। तो पूछा था कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू। अब इसमें बताओ क्या करें? पहला तरीका, हम तो एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जब कोई घूमेगा, तो क्या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अभी निकाला, ये पीक्यू की लेंथ कितनी है? पीक्यू की लेंथ कितनी है? एल बाई टू, एल बाई टू। तो एल की जगह आपने कर दिया एल बाई टू, और ये आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर और टू इंटू फोर एट। एक तो ये आया बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन एट, परंतु ये तो गलत है। क्यों गलत है बताओ, क्या गलती है इसमें? इसमें गलती यह है, क्या PQ का एक एंड हिंज है क्या? क्या PQ P के अबाउट या Q के अबाउट घूम रही है? No, sir. तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर तभी लगाना है जब एक एंड हिंज हो, उस L लेंथ का एक एंड हिंज हो, तो ये डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, आप ई ओ क्यू लिख सकते हो, ई ओ क्यू लिखवाओ कितना है, ये तो तरीका गलत हो गया हमारा। ईओ क्यू,
हाफ बी, बी के बाद बोलना ओमेगा एल स्क्वायर। क्या ओ क्यू में लग सकता है ये फॉर्मूला? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ओ पॉइंट हिंज है और ये फील्ड लाइन को कट करते हुए चल रहे, फील्ड लाइन अंदर की तरफ है। अब आप बताओ क्या ईएमएफ बिटवीन ओपी लिख सकते हो क्या आप? ओपी कितना होगा? हाँ, इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ओ पॉइंट हिंज है, तो ये हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट। अब इनसे निकलेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी क्यू कितना होगा? भाई ओ क्यू में इतना हुआ, ओपी में इतना हुआ, तो पी क्यू में कितना बचा? ओ क्यू माइनस ओपी, तो ये आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट। एलसीएम आया एट, फोर माइनस वन, तो ये आ गया थ्री बाई एट बी ओमेगा एल स्क्वायर। आप बताओ क्या यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, कैसे किया ये? अब उनके पेपर में सवाल ने ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछा था पी क्यू में, लेकिन उसमें जो गड़बड़ मुझे लगी, तीनों ऑप्शंस जो दे रखे थे तीनों में माइनस साइन लगा रखा है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और जो बी ऑप्शन है वो था माइनस थ्री बाई एट बी ओमेगा एल स्क्वायर, और पूछा है ईएमएफ बिटवीन पी एंड क्यू, ईएमएफ बिटवीन पी एंड क्यू, तो बताओ बी होगा कि डी होगा? आप बताओ एक बार। देखो ईएमएफ इज नेवर नेगेटिव, ईएमएफ कभी नेगेटिव नहीं होता, ईएमएफ का मतलब होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन ना दिया हो ऐसे सवाल में तो ये टिक करके आओ भाई, मान लो चारों ही ऑप्शन ही दे दिए और सब पे माइनस लगा दिया तो जो वैल्यू है वो लगाया हो, लेकिन अगर नन ऑफ दीज है तो मुझे लगता है वो टिक करना चाहिए। दूसरी बात, अगर पूछा होता वीपी माइनस वीक्यू, तो हमने अभी पता किया था कि पी नेगेटिव साइड है और क्यू पॉजिटिव साइड है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर ईएमएफ पूछा है तो उसको हमेशा पॉजिटिव देना। क्या ये बात आ गई है कि नहीं आई आपको समझ में, बताओ? यस सर, आ गई। ठीक है, अब ये तो था कि रोड के एक एंड को हिंज कर रखा है और दूसरे, चाहे आपसे बाकी पार्ट में भी पूछ लिया जाए तो पूरे में से कुछ आधा घटा के हमने निकाल लिया, लेकिन अगर मान लो रोड किसी और पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखी हो, मोशनल ईएमएफ ही चलेगा अभी ड्यू टू रोटेशन ऑफ वायर, लेकिन अगर रोड को किसी और पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा हो तो क्या होगा? देखिए सपोज ये कोई रोड है और हिंज पोर्शन यहां है, कहीं भी मतलब एंड पॉइंट के अलावा कहीं भी इसको हिंज कर दिया, बीच में हमने इसको हिंज कर दिया। अब ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये हिंज पॉइंट O, पूरी लेंथ है L और इसको घुमाया गया है एंगुलर स्पीड ओमेगा से और बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे इलाके में, यूनिफॉर्म भी है। अब आप ये बताओ, पहली बात मैंने चेंज क्या किया है, क्या वो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, चेंज समझ में आया। तो हमने इसको कहीं भी साइड में कर दिया, मैंने माना कि किसी ए लेंथ पे इसको लगा रखा है यहां से एंड ए एल बाई टू से आता है। अब आपको बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू कितना होगा, क्या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन ये बताओ क्या ओपी में लिख सकता हूं क्या मैं, ओपी में कितना होगा? और ऐसे ओक्यू में भी लिख सकते हैं कि ओक्यू में कितना होगा? तो ये काम करते हैं, पहले ओपी में लिखते हैं फिर ओक्यू में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन ओपी, आप केवल ओपी पार्ट बनाएं और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है और एज लेंथ है ए और ये ऊपर जाएगा
जब ये हिस्सा नीचे आएगा तो रोड का ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बी अंदर की तरफ है। आप बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। अब ओ या पी कौन हाई पोटेंशियल होगा कौन लो, फ्लेमिंग रूल से निकाल लो सीधा, और किसी चीज पे जाने के लिए और में टाइम लगता है। फ्लेमिंग रूल से आप सीधा निकालो ओ या पी में से कौन हाई पोटेंशियल होगा और कौन लो। ओ एंड पी में से कौन सा हाई पोटेंशियल होगा कौन सा लो, बताओ। देखते हैं, देखो पहली उंगली बी की तरफ, बी अंदर है, अंगूठा मोशन की तरफ, मुझे लगता है अपने आप अंगूठा मोशन की तरफ हो रहा है ना। ये देखो आप पहली उंगली बी की तरफ, अंगूठा मोशन की तरफ, तो दूसरी उंगली जा रही है ओ से पी, तो करंट जाएगा ओ से पी, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पी से ओ, तो ओ की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये ओ नेगेटिव बनेगा और पी पॉजिटिव। इसका मतलब ये आंसर आया वीपी माइनस वीओ, वीपी माइनस वीओ इज हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। अब मैं निकालूं ओक्यू पार्ट, ओक्यू पार्ट की लेंथ कितनी है बताएं, L-A. हाँ, OQ पार्ट की जो लेंथ है दैट इज L माइनस A, OQ पार्ट की जो लेंथ है दैट इज L माइनस A, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, OQ पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो अब बताओ इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड इन OQ हाफ बी ओमेगा एल माइनस ए का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करो, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फ्लेमिंग रूल लगा के ओ से क्यू देखते हैं, बी बी अंदर अंगूठा नीचे क्योंकि मोशन नीचे, तो करंट जाएगा ओ से क्यू, करंट अगर ओ से क्यू गया तो इलेक्ट्रॉन क्यू से ओ, तो ओ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, तो ओ नेगेटिव होता जा रहा है और क्यू पॉजिटिव होता जा रहा है। देखने का तरीका आ गया है ना फ्लेमिंग रूल से कैसे इस रोटेशन में देखना है, तो ये हाई है ये लो है, तो VQ माइनस VO, VQ माइनस VO कितना होगा, हाफ B ओमेगा इंटू एल माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए दो पार्ट हो गए, अब मुझे एक जवाब देना आप, मैं OP में निकाल चुका, मैं OPQ में निकाल चुका, तो PQ में निकालने के लिए दोनों को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऐड नहीं करेंगे। अब पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनो सुनो, अभी थोड़ी देर पहले आपने बड़ी लेंथ का पता था, कुछ का पता था, तो कुछ का निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, तो आपने वही चीज यहां लगा दी कि बोले अगर दो छोटे टुकड़ों का पता है तो पूरे में निकालना तो ऐड कर दो ना। अगर हिंज पॉइंट के एक ही साइड सारे पॉइंट हो, अगर हिंज पॉइंट के एक साइड वाले सारे पॉइंट्स में इसमें पता है और इसमें पता है और आपको पूरे में निकालना है तो आप ऐड कीजिए, समझ गए हो, समझ में आ रहा है। हिंज पॉइंट के एक ही साइड मान लो ये पॉइंट ए होता, मुझे OA में पता होता, मुझे AQ में पता होता और OQ में पूछा होता, तो मैं दोनों को क्या करता, ऐड कर देता। अगर OQ में पता होता, OA में पता होता, AQ में निकालना है, OQ में पता होता, OA में पता होता, AQ में निकालना है, तो OA प्लस AQ इज OQ, तो OQ में से OA घटा देते, ये काम किया था ना अभी, ठीक है। लेकिन ओ पॉइंट हिंज पॉइंट है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों में अगर टोटल पी क्यू निकालना तो आपको ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ई पी क्यू का मतलब है कि आप निकालना चाह रहे हो वीपी माइनस वी क्यू का मोड, वीपी माइनस वी क्यू का मोड ये निकालना चाह रहे हो। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मुझे इन दोनों में से वीओ गायब करना है, यहां भी माइनस वीओ है यहां भी माइनस वीओ है, तो गायब करना है तो बताओ इक्वेशन वन से टू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ऐड करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, मुझे वीओ कैंसिल करना है, वीओ कैंसिल करना है, मुझे वीपी और वीक्यू का डिफरेंस ये, तो इक्वेशन वन से टू सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें क्या करें, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी क्यू ये इन दोनों का सम नहीं होगा,
बड़े में छोटा घटा दो, बड़े में छोटा, तो ईएमएफ इन ओक्यू माइनस ईएमएफ इन ओपी, अगर ओपी भी उसी साइड होता तो हम ऐड कर देते। क्या ये बात आ गई है क्या समझ में? ठीक है, ईएमएफ इन ओक्यू ये रहा, ईएमएफ इन ओक्यू ये है हाफ बी ओमेगा एल माइनस ए का होल स्क्वायर, और ईएमएफ इन ओपी ये रहा हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना कि ऐड, ये छोटी छोटी गलती हो जाती है सवालों में। और अगर ना समझ में आए क्यों सब्ट्रैक्ट किया तो आप इनको देख लो, भाई वी ओ गायब करना है तो एक में से दूसरा घटाना पड़ेगा, तो आप बड़े में छोटा घटाओ तो ये आया हाफ बी ओमेगा, वो तो दोनों में है तो कॉमन, वो तो दोनों में कॉमन है, उसमें बचेगा एल माइनस ए का होल स्क्वायर और इसमें बचेगा माइनस का ए स्क्वायर। अभी बताओ क्या ये लिखना आ गया कि नहीं आया आपको समझ में? हाँ भाई बोलिए, क्या ये लिखना आ गया है कि नहीं? अब इसको खोल देते हैं, एल माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ये आपका बनेगा क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया माइनस टू एल ए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस टू एल ए, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, इसमें से एक एल कॉमन लो, मैं अभी एक और चीज आपको दिखा रहा हूं, बी इंटू ओमेगा इंटू एक एल कॉमन लिया, इसके अलावा क्या बचा अंदर? एक एल कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? एल माइनस टू ए, उसको टू से डिवाइड कर दो, क्या बचा अंदर बताओ? एल बाई टू माइनस ए। आप इसको यूं देखिए, ये जो ईएमएफ आया, ये जो ईएमएफ पूरी रोड पीक्यू में आया वो आया बी इंटू ओमेगा, ओमेगा से पहले मैं इस एल को लिख रहा हूं, बी इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू एल बाई टू माइनस ए, बी इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू एल बाई टू माइनस ए। अब ये क्या है ये आपको ऑब्जर्व करना है, मैं पांच मिनट बाद बताऊंगा ये क्या है, उससे पहले मैं आपको करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम इस चीज को देखेंगे कि ये क्या आ गया, किस तरह से ये चीज डायरेक्ट लिखी जाती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, उस चीज पे हम चलेंगे। लो आप पहले ना एक सवाल कीजिए, एक ऐसी आपको रोड दी गई है, अंदर की तरफ बी है और बी यूनिफॉर्म है, एल लेंथ की रोड है और यहां का ही हिंज पॉइंट है एल वाई फोर लेंथ पे, और ये इसके अबाउट क्यों घूम रही है ओमेगा से, ये पॉइंट पी ये पॉइंट क्यू, आपको बताना है ईएमएफ बिटवीन पी क्यू क्या होगा, करो भाई ये क्वेश्चन कीजिए, आप कैसे करेंगे ये कीजिए, डायरेक्ट यूज नहीं करना है, आप ओपी में निकालो इसको ओ मान लो, ओपी में निकालो ओक्यू में निकालो, फिर देखो क्या आ रहा है, चलिए कीजिए दो मिनट। अभी हो गया,
बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो रहा है सर अभी तक। ठीक है कीजिए। तो कितना आएगा, क्या आंसर आएगा? हाँ सही है। देखो मान लो आपने पीक्यू में लिखने के लिए मैंने इसको ओ बोला, तो सबसे पहले हमने लिखा ई बिटवीन ओपी। ओपी आपका होगा हाफ बी ओमेगा एल बाई फोर का स्क्वायर, एल बाई फोर का स्क्वायर। तो ये एल बाई फोर का स्क्वायर ये आपका आया एल स्क्वायर बाई 16, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32। फिर आपने लिखा ई ओ क्यू, ओ क्यू में कितना होगा हाफ L minus L by 4. ये 3L/4 लेंथ है, ये लेंथ है 3L/4, तो 3L/4 का स्क्वायर तो आ गया 9/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब बताओ ईएमएफ क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, बड़े में से छोटा घटा दो। तो ई पी क्यू हो जाएगा ई बिटवीन ओ क्यू माइनस ई बिटवीन ओ पी। तो ये आया 9/32 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32, तो बचेगा 8/32। 8/32 होता है 1/4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलिए सवाल ऐसे तो करना आया आपको अलग अलग करके, ठीक है? अब देखो जहां जाके मैंने उस रिजल्ट को रोका था एक बार उसको समझिए। आप अगर ये लेंथ ए होती और ये पूरी लेंथ एल है और आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो आप यूं बताओ सेंटर ऑफ द रोड हिंज पॉइंट से कितनी दूरी पे है? सेंटर ऑफ द रोड एक एंड से कितनी दूरी पे है? सेंटर एक एंड से L by 2 और हिंज पॉइंट एक एंड से A, तो ये लेंथ क्या बची? ये लेंथ L by 2 minus A। हाँ, और ये लेंथ दरअसल रेडियस ऑफ सेंटर है, क्योंकि सेंटर एक सर्कल में घूमेगा, सेंटर एक सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस R है, R ऑफ द सेंटर। तो R ऑफ द सेंटर हो जाएगा L by 2 minus A। आई क्या बात समझ में यहां तक? ठीक है, तो इस वक्त सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी? इस वक्त सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इनटू आर, आर की वैल्यू आपने पुट कर दी, कितना होगा? ओमेगा इनटू L/2 - A, ओमेगा इनटू L/2 - A। तो देखो जहां मैंने उसको रोका, क्यों रोका है आप बताओ, ओमेगा इनटू L/2 - A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इनटू L/2 - A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर, यानी कि हिंज पॉइंट अगर कहीं और हो तो पूरी रोड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बी इंटू टोटल लेंथ इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। और ये लगभग बीएलवी टाइप फॉर्मूला आ गया, बीएलवी टाइप। अब ये हमेशा वैलिड होगा चाहे हिंज पॉइंट कहीं भी हो, रोटेशन में चाहे हिंज पॉइंट कहीं भी हो, यह हमेशा वैलिड होगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। अगर मान लो हिंज पॉइंट एक एंड पे होता, अगर हिंज पॉइंट एक एंड पे होता तो सेंटर कितनी दूर होता एंड से, हिंज से? पूरा एल है, L/2। तो सेंटर का रेडियस L/2, तो सेंटर की रेडियस तो हो गया L/2, तो सेंटर की स्पीड कितनी होती? ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ सेंटर, ओमेगा इंटू L/2। बस अब हमने पढ़ा कि टोटल ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है बी इंटू एल इंटू वी सी, वी सी आप पुट कर लो, बी इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू L/2, कितना आ गया ये? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बताओ भाई समझ में आया यहां तक? ठीक है, दूसरी बात, अभी एक क्वेश्चन दिया था L/4 पे, अब मैं उस पर आता हूं। मतलब आपको अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है अगर ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट याद रख लेते हो। तो पूरी लेंथ है L,
हिंज पॉइंट यहां है, यहां से एल बाई फोर पे, और इसको ओमेगा से घुमाया। आप केवल सेंटर पे ध्यान दो, सेंटर नीचे आ रहा है वेलोसिटी से ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ सेंटर, ये होगा रेडियस ऑफ सेंटर। रेडियस ऑफ सेंटर बताओ कितना है, ये एल बाई टू, ये एल बाई फोर, तो एल बाई टू माइनस एल बाई फोर कितना बचा, एल बाई टू माइनस एल बाई फोर कितना बचा, एल बाई फोर। अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला EMF total that is equal to B into total length into velocity of center omega into L by 4. तो बताओ यही आंसर आया था ना अभी, 1 by 4 B omega L square. तो वो हमने क्यों बोर्ड पे सब कुछ मिटाया, इसको क्यों रोक के रखा था, इसका कारण यही था कि आप इसी चीज को, कि अगर हिंज पॉइंट कहीं और दे दिया जाए तो आप इस चीज को ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की बजाय b into l into velocity at the center, velocity of the center. हाँ जी भाई बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मैं दो तीन चीजें कंपैरिजन लेते हुए करवा रहा हूं अभी यहां पे। सपोज एक डिस्क है, डिस्क नहीं है, पहले तो एक रिंग है जिसमें एक स्पोक है। स्पोक मतलब, स्पोक समझ गए, टायर का स्पोक, ताड़ी बोल देते थे जिसे, समझ रहे हो ना, एक बीच में एक मेटल की रोड है इस तरह से पतली सी कनेक्टिंग रोड, ये स्पोक है, रेडियस इसका आर है डिस्क का, और एक साइकिल खड़ी हुई है, और खड़ी साइकिल पे भाई जो पुराने स्टैंड होते थे साइकिल के उन पे, तो खड़ी साइकिल पे आप टायर को घुमा सकते थे पेडल को रोटेट करके, पता है ना ये चीज। आजकल तो जो स्टैंड आते हैं साइड स्टैंड उनमें तो ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, बट पहले जो स्टैंड आते थे उनमें तो आप आराम से घुमा सकते थे। तो एक साइकिल खड़ी हुई है और एक ही उसमें स्पोक है और वो ऐसे घुमाए जा रहे हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और उस पूरे इलाके में अंदर की तरफ बी है, इस तरह का पार्ट है, तो ये पॉइंट P और ये रिम का पॉइंट है Q। आपको एक तो इसमें निकालना है EMF PQ में क्या होगा, दूसरा देखो अगेन आपने रिंग बनाई, ये P, ये Q और ये ओमेगा से घूम रहा है इधर, एक बार इधर ही लग लो एक मिनट सुन मेरी बात सुन भाई, एक मिनट रुको आप, मैं अभी बता रहा हूं। अरे सुन देखिए, ये PQ पॉइंट, PQ वायर है और ये ओमेगा से घूम रहा है, यहां भी B मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, लेकिन यहां पे इनके बीच में N स्पोक्स है, N स्पोक्स, इसमें भी आपको बताना है E बिटवीन PQ कितना होगा। आप ये दो सवाल कीजिए, मैं अभी आता हूं।
हाँ जी भाई बताओ फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा? ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन पी एंड क्यू कितना होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। उसमें कितना होगा जब एन स्पोक्स हैं तो? एक बच्चे ने बोला एन बाई टू बी ओमेगा आर स्क्वायर मतलब एन टाइम्स कर दिया। हाँ भी बताओ एग्री हो कि नहीं इस चीज के साथ कि एन टाइम्स होगा? ये गलत है। सुनो ये आपको आ गया समझ में? ये तो एक सिंगल स्पोक वाला है, अभी आपने देखा था आई गया। यहां क्या होगा एन स्पोक्स में कितना होगा सुनिए। पहली स्पोक है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। फ्लेमिंग रूल में अगर लगाऊं तो इस तरह बनेगा कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं एक बैटरी की तरह दिखाऊं तो ये बनना है ये, और क्या आ जाना है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऐसे ही जब आप दूसरी स्पोक में बनाएंगे तो ये इतना ही आना है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सभी स्पोक्स में ऐसे ही आना है, रिंग की तरफ पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, ये आना है पूरा और हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्या इतना आया समझ में? अब देखो ये बाहर एक कंडक्टिंग वायर है तो आप इन सभी टर्मिनल्स को क्यों बोल सकते हो? तो ये सारी बैटरी सीरीज में बनी कि पैरेलल में बनी बताओ? पैरेलल में, यानी कि ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और ये सारे के सारे ईएमएफ पी नेगेटिव क्यू पॉजिटिव सारे के सारे ईएमएफ आपके पैरेलल में आ जाने। अब आपको अगर याद हो पैरेलल में अगर 10 बैटरी भी लगी हैं, पैरेलल में अगर 10 बैटरी भी लगी हैं तो जितना एक का ईएमएफ होता था वही रिजल्टेंट आता था। कारण इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में होता था E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 ये होता था equivalent। ठीक है तो यहां से equivalent आया, R से R cancel हो जाना क्योंकि identical है सारा, तो E by R plus E by R ऊपर बना 2E by R और नीचे 2 बाई आर से 2 बाई आर कट गया, यानी कि जो एक का ईएमएफ था वही ई इक्विवेलेंट होगा। तो एक का ईएमएफ था हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, तो आप बताओ इसमें क्या आंसर आएगा पी और क्यू के बीच में? हाफ बी ओमेगा इनटू आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा हाफ बी ओमेगा इनटू आर स्क्वायर इस तरह से। क्लियर? अभी तो क्लियर हो गए दोनों पार्ट। ठीक है अब एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ये भी क्वेश्चन ही थे वैसे तो, इन्हीं पे बेस्ट लगा लो या कैसे भी आप सोच के बताएंगे। ये रिंग नहीं है, कोई स्पोक्स नहीं है, डिस्क है और ये इसका सेंटर है पॉइंट पी। ये पूरी एक डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस आर। और इसको घुमाया जा रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। आपको बताना है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील। ये एक्सल होता है, रिम होता है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा रखा है बी। कीजिए भाई
ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन दो। देखो कहां नहीं होगा ये सुनो, कहां नहीं होगा वो सुनो। अगर ये एक रिंग होती, डिस्क नहीं होती, एक रिंग होती और वो ऐसे घूम रही होती, केवल एक रिंग होती, और पूछा जाता कि रिंग की पेरिफेरी में, रिंग की बाउंड्री में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आंसर आता जीरो। कारण भाई रिंग ऐसे घूम रही है, ना तो उसका एरिया चेंज हो रहा, ना एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही, ना बी चेंज हो रहा, तो बी डॉट ए कॉन्स्टेंट हो जाता। अगर ये रिंग ऐसे घूमती रहती तो बी डॉट ए वेरिएबल ना होके बी डॉट ए क्या हो जाता, कॉन्स्टेंट हो जाता। क्लियर है कि नहीं? बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो। और अगर फ्लक्स कॉन्स्टेंट होता है तो डी फाइव बाई डी टी जीरो होता। तो अगर पूछा जाता कि ये जो डिस्क बोल लो चीज कुछ भी बोल लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन पेरिफेरी, बार बार की बाउंड्री, तो बार बार की बाउंड्री में तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाता, जीरो। ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, रिम और एक्सल के बीच में, यहां से यहां के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बताओ ये कैसे करें। सवाल आ गया ना समझ में, यहां से यहां तक आप बताइए कैसे करें। अच्छा पिछले क्वेश्चन की मदद लेके कर लो, पिछले क्वेश्चन की मदद लेके आप ट्राई कीजिए कैसे होगा। बताओ कितना, उतना कितना क्या आंसर होगा अगर इसका रेडियस आर है तो? हाँ बिल्कुल सही है, हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। कारण आप इसको यूं देखो, एक स्पोक थी तब भी हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर, दो स्पोक्स होती तब भी, एन स्पोक्स होती तब भी, और अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें तब भी यही आंसर होगा। और अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया तो ये स्पोक इतनी पास पास हो जाएंगी कि ये क्या बन जाएगी बताओ, डिस्क बन जाएगी। यानी कि डिस्क तो एक स्पेशल केस है पिछले सवाल का, जहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो, परंतु n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन रिम एंड एक्सल, रिम एंड एक्सल के बीच में, तो जो आंसर आना है दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एल इसका रेडियस है, तो हाफ बी ओमेगा इनटू आर स्क्वायर। बताओ ये आ गया क्या यहां तक समझ में? ठीक है, तो अभी ऐसा है कि हम यहां तक इतना पार्ट सीख चुके हैं, ड्यू टू रोटेशन किस तरह से ईएमएफ निकालना होता है। कई बार जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन देना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो जैसे आज ही करवाया वही सवाल देखो, सपोज यूं कह दे कि भाई ये घूम रहा है उसी तरीके का अरेंजमेंट है, पूरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड है 100 वोल्ट, पूरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड है 100 वोल्ट, तो बताओ आउटर हाफ पार्ट में कितना होगा, इसका जवाब दो। अगर पूरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड है 100 वोल्ट तो आउटर हाफ पार्ट में कितना होगा, करवा चुका आज मैं ये सवाल। पूरी रोड है एक एंड हिंज है, उसी तरह रोटेटोरी अंदर भी है, और पूरे रोड में ईएमएफ इंड्यूस है 100 वोल्ट, तो जो आउटर हाफ पार्ट होगा उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा ये बताना आपको। बताइए
अभी आज नहीं करवाया था, पूरे रोड में 100, तो 100 बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आउटर में निकालना है तो वो तो इंच के अकॉर्डिंग है नहीं, तो पहले आप इनर हाफ में निकाल लो। इनर हाफ में होगा हाफ बी ओमेगा एल बाई टू का स्क्वायर, आज करवा चुका मैं ये सवाल, तो 1/4 हो गया। एल बाई टू का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया जितना पूरी रोड में है, पूरी रोड में है 100 वोल्ट, तो बताओ इधर इधर वाले में कितना हुआ, 25 वोल्ट। तो अब बताओ आउटर पार्ट में कितना बचा, आउटर हाफ पार्ट में 75, क्योंकि एक ही साइड है दोनों, तो दोनों इससे एक साइड है, तो ये दोनों जुड़ के 100 वोल्ट बनेगा, तो जो इसमें आएगा 75 वोल्ट। अब ये आपसे होना चाहिए ना, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चंस बना के कैसे भी आपको दिए जा सकते हैं। अभी बताओ क्या ये रोटेशन वाला काम समझ में आ गया है कि नहीं, एक सिंगल वायर अगर रोटेट करती है तो कैसे ईएमएफ इंड्यूस निकाला जाता है। ठीक है, कल हम ट्रांसलेटरी वायर वाला देख रहे थे, आज मैंने ये रोटेटरी वायर वाला पार्ट यहां तक आपको करवा दिया। अच्छा, अब मैं आता हूं थोड़ा उस पेपर की तरफ। क्या आप लोगों ने बाद में भी नहीं किया क्या वो पेपर सॉल्व? यार अब आप चुप हो जाते हो, अभी तक तो यस सर नो सर चल रहा था, अब एकदम चुप हो जाते हो। जिन्होंने पेपर नहीं दिया क्या बाद में भी सॉल्व नहीं किया क्या? मैंने सारे क्वेश्चंस डाले थे आपके ग्रुप पे। तो यार पेपर में दिया करो ना आप लोग, इस तरह से हम आपके बार बार पेपर लेना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हो उन चीजों को, तो उसमें कोई डाउट्स हैं उस पेपर में? हाँ भाई, डाउट्स हैं या नहीं है उस पेपर में? है तो फिर थोड़ा बताओ, अगर क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अब अगले 15 मिनट मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं चल रहा हूं। मुझे जो आज पढ़ाना था, मैंने रोटेटिंग वायर का ईएमएफ इंड्यूस वाला काम आपको सिखाया, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं चल रहा हूं। ये जो 9:10 की है, क्यों 9:10 तक क्या कह रहे हो क्लास? 9:00 तक ही है सर, 9 बजे। 9:20 तक थी, आज कोई नया टाइम टेबल आ गया? नया टाइम टेबल तो उसमें 9 बजे तक ही दे रखी है क्या क्लास? चलो तो फिर ठीक है, तो फिर आगे हम आप वो पेपर कर लीजिए ट्राई, फिर देखते हैं आगे, कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।